उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलवर जिले की परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए। मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जो पहले पीछे छूट गया था, आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में सफलता हासिल की है, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार है। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, जनवरी में रामलला विराजमान हो जाएंगे और चुनाव नवंबर में होने वाला है। नवंबर में कमल खिलाकर अयोध्या आने का निमंत्रण देने आया हूं। आपने 13 में कमल खिलाया, 14 में कमल खिलाया, लेकिन 18 में थोड़ी सी चूक हो गई और आपसे झूठे वादे करने वाले सत्ता के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साहब इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में जिनका नेतृत्व हमें मिल रहा है, यज्ञ का घोड़ा जो घोड़ा मेरी सिन्नौर से प्रारंभ हुआ था, आज राजगढ़ के इस गांव में है।